नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, और ये फ्री है, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। तो आज हम बात करेंगे त्रिदोषों में से कफ के बारे में, जानेंगे कफ के बिगड़ने से हमारे शरीर में 28 प्रकार की बीमारियां लगभग आ जाती है, जानेंगे कुछ बीमारियों के बारे में, और भोजन के द्वारा, योग के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा कैसे कफ को ठीक किया जाता है इसके बारे में। तो जो 28 प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आती है कफ के बिगड़ने से, उसमें से कुछ मुख्य तौर पर मोटापा सबसे भयानक बीमारी कफ के कारण आने वाली, उसके बाद सर्दी, जुखाम, खांसी, नज़ला, इसके अलावा आँखों में मोतियाबिंद, यह भी कफ की बीमारी है। कान का बहना, कान का दर्द, श्वसन संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, वह सारी बीमारियां लगभग जो कफ का स्थान है हमारे शरीर में, हमारे चेस्ट से लेके ऊपर होता है, तो इस एरिया की जितनी भी बीमारी है, जैसे थायराइड की बीमारी हो गई, यह भी कफ के कारण ही आ जाती है। तो ये सारी बीमारियां कफ के बढ़ने से आ जाती है। तो बात करते हैं आहार की, डाइट के द्वारा हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कफ को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट एक नंबर पे जो चीज़ है वह है गुड़ या शहद, दो ऐसे ये चीज़ें हैं जो कफ को पूरी तरह से ठीक करने में एक नंबर के स्थान पे आती है। ऐसे तो सैकड़ों है, लेकिन सबसे नंबर वन गुड़ और शहद। इसके अलावा आप सोयाबीन का दूध ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, मुनक्का, अंजीर, पालक ले सकते हैं, कच्चा पालक या पालक का जूस भी ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, तुलसी हो गई, गाजर, सोयाबीन, इसका सेवन आप कर सकते हैं कप में। अगर उपवास करना हो, फास्ट करना हो कप के लिए, तो आप हरी सब्जियां जितनी भी है उसके सूप के ऊपर उपवास करना चाहिए, उसका सूप लेना चाहिए। अगर योगासन की बात की जाए तो गोमुखासन, उत्तान मंडुकासन, हलासन, चक्रासन, कटी चक्रासन, सुप्त वज्रासन, उष्ट्रासन, मकरासन, शलभासन, भुजंगासन, धनुरासन, नौकासन इत्यादि आसन आप कर सकते हैं। अगर प्राणायाम की बात की जाए तो सूर्यभेदी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम कफ में काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। षटकर्म कर सकते हैं, इसमें आप कपालभाति, धोती, बस्ती, नेति बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, कुंजल, शंख प्रक्षालन, ये सारे षटकर्म, पूरे के पूरे षटकर्म आप कफ में कर सकते हैं। 6 प्रकार के जो षटकर्म हैं ये सारे कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और धूप स्नान भी आप कप में ले सकते हैं। धन्यवाद।